दोस्तों ये कहानी दो बंदों की है जिसमें पहले का नाम पाब्लो और दूसरे का नाम ब्रूनो था। बहुत से लोगों की तरह दोनों के ख्वाब बेहद बड़े थे और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों इंटेलिजेंट थे, तलाश थी तो बस एक अपॉर्चुनिटी की। एंड एक दिन उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली गई। जिस गाँव में वो रहते उस गाँव को दो लोगों की जरूरत थी जो पास के गाँव से पानी भर कर ला सके। अब इस काम के लिए पाब्लो और ब्रूनो को चुना गया एंड एक बकेट पानी भर कर लाने के लिए उन्हें 1 पैनी दिया जाता। ब्रूनो धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाने लगा था एंड उसे लगता था कि वो जल्दी अमीर बन जाएगा। बट दूसरी तरफ पाब्लो को दूसरे गाँव से पानी लाने में कुछ खास मजा नहीं आ रहा होता, उल्टे उसके हाथों में दर्द होने लगा था। एंड इसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए उसे एक दिन आइडिया आता है एंड उसने जाकर ये आइडिया ब्रूनो को बताया। पाब्लो कहता है, भाई ये रोज रोज पानी लाने से बेटर है क्यों ना रिवर से गांव तक पाइपलाइन बिछा देते हैं जिससे बकेट भरकर लाने की झंझट ही ना रहे। बट ब्रूनो को इसमें इंटरेस्ट नहीं आया, वो काम के बदले जो इंस्टेंट पैसे मिलते उसी में खुश था। और तो और ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो ज्यादा मेहनत करने लगा था ताकि उसके ख्वाब जल्दी पूरा हो सके। उसके उल्टा पाब्लो ने काम आधा कर दिया, आधे टाइम वो बकेट में पानी भर कर लाता तो बाकी टाइम पाइपलाइन बनाने का काम करता। अब पाइपलाइन बनाना ये कोई इजी टास्क था नहीं, इसे बनाने में 1-2 साल का समय लगता। पर पाब्लो को अपने आइडिया पर पूरा बिलीव था, वो अपने काम में लगा रहा। भले ही उसे पैसे कम मिलते पर वो पाइपलाइन को तैयार करते चला गया। गांव वाले सभी पाब्लो का मजाक उड़ाते कि ये बेवकूफ है, उटपटांग से काम करने लगा है। दूसरी तरफ ब्रूनो को देखो, मेहनत करके उसका इनकम पाब्लो से डबल हो गया है। दोस्तों ब्रूनो घर परचेस कर चुका था, अपने शौक पूरे कर रहा था एंड वीकेंड को पूरी तरीके से एंजॉय करता। वहीं दूसरी तरफ पाब्लो वीकेंड में भी पाइपलाइन बिछाने का काम करता एंड अपने आप को टोटली काम में डाल चुका था। उसे पता था आज की सैक्रिफाइस से ही उसके कल के ड्रीम पूरे होंगे। शॉर्ट टर्म का पेन उसे लॉन्ग टर्म का गेन दिलाएगा। कुछ महीनों में पाब्लो का आधा पाइपलाइन बनकर तैयार हो जाता है एंड उसे पानी लाने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होती। इससे उसका काफी टाइम बचने लगा एंड पाइपलाइन बनाने को वो ज्यादा टाइम देने लगा। दूसरी तरफ ब्रूनो काम करके बेहद थक चुका था एंड कमजोर हो चुका था, बट पाब्लो का पाइपलाइन ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका था जिससे उसे अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लगभग 1.5 सालों में पाब्लो ने पाइपलाइन तैयार कर ली एंड लोगों को 24/7 फ्रेश वाटर मिलने लगा जिससे पाब्लो पहले से और ज्यादा पैसे कमाने लगा था। सिचुएशन तो ऐसी भी थी कि अगर पाब्लो काम ना भी करे उसे पैसे मिलते रहते, वो बिना किसी हेडेक के सो सकता था, पार्टी कर सकता था एंड ट्रैवलिंग कर सकता था। बट ब्रूनो बर्बाद हो जाता है क्योंकि लोगों को 24/7 जितना चाहे उतना पानी पाब्लो के पाइपलाइन से मिल जाता। अब दोस्तों ये कहानी ना रियल में हम लोगों के साथ अप्लाई होता है। जरा सोच कर बताइए, आपका माइंडसेट पाब्लो की तरह है या ब्रूनो की तरह? क्या दिन रात आप मेहनत करके अपने टाइम को लगाकर पैसा कमाना पसंद करोगे या पाब्लो की तरह एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने पर ध्यान दोगे जो आपके काम ना करने पर भी आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करके दे? दोस्तों इस वर्ल्ड में हमें यही सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना होगा। नॉर्थ अमेरिकन इस दुनिया में सबसे ज्यादा काम करते हैं, जैपनीज लोगों से भी ज्यादा, बट फिर भी उनका कंज्यूमर डेट हाई होता है। ये 2 से 3 जगह काम करते हैं, बिल्कुल ब्रूनो द बकेट मैन की तरह। अब अक्सर ज्यादा पैसे कमाने के लिए लोग इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं क्योंकि दोस्तों बचपन से ये सोसाइटी, टीचर, एजुकेशन सिस्टम हमें ब्रूनो द बकेटमैन बनना ही सिखाता है। कॉलेज खत्म करके सिक्योर जॉब पालो, देन लाइफ सेट। अब लाइफ सेट होती है या चैलेंजेस सामने आते हैं ये आप बेटर तरीके से जानते हो, लेकिन एजुकेशन सिस्टम, सोसाइटी हमें पाब्लो द पाइपलाइन की तरह सोचना नहीं सिखाता। इसके अंडर वो लोग आते हैं जो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, इन्वेस्टर हैं एंड वो फाइनेंशियली फ्री हैं। देखिए भले ही आपकी सैलरी एकदम ज्यादा ही क्यों ना हो, जब तक आपको पैसे कमाने के लिए अपना टाइम लगाना पड़ेगा आप बकेटमैन की कैटेगरी में आते हो। डेरिल स्ट्रॉबेरी एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर थे जो बेसबॉल खेलकर $5 मिलियन तक की अर्निंग हर साल करते और ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप वगैरह से $100 मिलियन तक उन्होंने कमाया। नाउ इतने पैसों में तो कोई भी अपनी लाइफ बिना काम के अच्छे से गुजार सकता है, बट डेरिल के साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उन्हें बेसबॉल से सस्पेंड किया जाता है कुछ ही टाइम में उनके पास अपने बीवी बच्चों को सपोर्ट करने जितने पैसे नहीं थे। बट क्यों, उनके $100 मिलियन कहां गए? दोस्तों डेरिल ने वो पैसे महंगे घर, स्पोर्ट्स कार, लग्जरियस लाइफ, पार्टीज में खर्च कर दिए, ना ही उन्होंने पैसों के लिए एक्स्ट्रा सोर्स क्रिएट किया। दूसरी तरफ एक छोटे से टाउन में मार्गरेट डोनाल्ड नाम से एक स्कूल टीचर रहती थी जो 50 सालों से स्कूल में पढ़ा रही थी। अब उनकी सैलरी मात्र कुछ $100 के आसपास ही था, लेकिन 100 साल की एज में जब उनका डेथ हुआ तो पता चला उनका नेटवर्थ $2 मिलियन लगभग 16 करोड़ है। नाउ ये बड़ी अजीब सी बात है और पॉसिबल कैसे हो सकता है? इतनी लो इनकम वाली मिलियनेयर भी बन सकती है? आंसर है यस। मार्गरेट जॉब करते हुए कुछ पैसे रेगुलर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती और पाब्लो की तरह पाइपलाइन क्रिएट करती जा रही थी। लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने और कंपाउंडिंग के चलते उन्होंने मोटा पैसा बनाया। दोस्तों स्ट्रॉबेरी और मार्गरेट के सिनेरियो में अंतर है तो फाइनेंशियल एजुकेशन का।
वेल्थ मैनेजमेंट का। एक ने पाइपलाइन बनाने पर ध्यान दिया तो दूसरी तरफ एक और ने ब्रूनो की तरह पैसे फालतू की चीजों में उड़ा दिए। जो भी हो, एक्चुअल हैप्पीनेस पैसों में नहीं, बट पैसों के जरिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम आप गेन करते हो उसमें है। जरूरी ये है आपका टाइम काम में ज्यादा ना लगे, बट आपको ज्यादा पैसे मिलते रहे, जिससे आप मल्टीपल पाइपलाइन क्रिएट करने पर ध्यान दे सको। दोस्तों, पाइपलाइन को आप असेट भी कह सकते हो। असेट वो चीजें हैं जो आपके जेब में पैसे डालें। एंड मैंने इस पर काफी अच्छे से वीडियो तैयार किया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अभी देख सकते हो। देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आपका मैक्सिमम प्रायोरिटी होना चाहिए बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनने का। देखिए, एक बिजनेस की बात करें तो इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें स्किल मैन पावर डिफाइन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपने टाइम देते हैं, जिसके बेस पर उन्हें सैलरी मिलता है। अब जैसे जैसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ती है, उसके सैलरी इंक्रीज होते जाते हैं। बट बताइए, बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है, बिजनेस ओनर या एम्प्लॉय? ऑब्वियसली ओनर। पर क्या वो एम्प्लॉय की तरह काम करता है? नहीं, उसका रोल डिसीजन लेने तक होता है। एंड अगर वो सीओई हायर कर ले तो बिजनेस में रहकर बिजनेस को ऑपरेट करे या ना करे, इसकी कोई खास जरूरत नहीं होता। दोस्तों, अब देखिए बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं। वो लोगों को काम में लेकर उनके टाइम का लेवरेज ले रहा है। वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है ताकि उसके अब्सेंस में बिजनेस के जो भी गोल्स हैं वो पूरा हो सके। दूसरी तरफ इन्वेस्टर होता है, जो अच्छे बिजनेसेस के स्टॉक्स परचेस करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेता है, ताकि उसके पैसे लॉन्ग टर्म में अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ कंपाउंड हो सके। अब अगर अच्छा इंटरेस्ट पाना है, देन आपको परफॉर्मिंग बिजनेस के स्टॉक्स परचेस करने होंगे, जो आगे और ग्रो हो सके, ताकि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो। एंड बड़ी बात, बिना किसी खास नॉलेज के एक अच्छा इन्वेस्टर बन पाना ये मुश्किल है, तो आपको स्टॉक मार्केट को समझना होगा। अब देखिए, मैंने इन्वेस्टिंग का नाम बस इसलिए लिया क्योंकि यार आपको अच्छे बिजनेसेस के स्टॉक ही तो सिलेक्ट करना है एंड उसे होल्ड करके रखना है। अब यहाँ पर आपको पैसे ग्रो करने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम वो बिजनेस करेगा, ताकि लोगों को अच्छे रिटर्न मिल सके एंड ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उन बिजनेस में इन्वेस्ट करे। देखिए, इंडिया में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर देखा जाए तो कम ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम एम्प्लॉय होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, बट बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर कम ही होते हैं। तो सचमुच अगर आपको अपने वर्क से फ्री होना है एंड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, तो इन्वेस्टर या बिजनेस ओनर बनना सीखना ही होगा। नाउ सवाल आता है, आप ये बनोगे कैसे? तो डोंट वरी, फाइनेंस के अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी कमाल के वीडियोस लाऊंगा, जिसे अगर आप इम्प्लीमेंट कर जाओ तो फाइनेंशियली फ्री या रिच बनने का जो ड्रीम है आप उसे पूरा कर सकते हो। तब तक इस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।